Hey, नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मिनी एलईडी टीवीज के बारे में, जो बजट मिनी एलईडी टीवीज हैं। मोटोरोला ने हाल ही में लॉन्च की हुई थी उनकी एन विजन एक्स स्पेक्ट्रा। हम इसे कंपेयर करने वाले हैं विद लास्ट ईयर्स मॉडल, जो है तोशीबा की M650MP। जी हाँ, दोनों ही मिनी एलईडी टीवी है, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस कंपेरिजन। प्राइस में थोड़ा सा अंतर है, पर हम एंड में हर एक वीडियो की तरह बताएंगे आपको कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए, इन दो टीवीज में से क्यों लेनी चाहिए। तो हर एक वीडियो की तरह शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। ये हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। बट अगर आप एक इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, जहां पे आप इन दो टीवीज की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को साइड बाय साइड कंपेयर करके एक डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो पे आए हुए हैं, बिकॉज दीज इंफॉर्मेशनल वीडियोज ऑल्सो हेल्प यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। तो अगेन, नॉट अ हैंड्स ऑन वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो, और मैं हर एक वीडियो की तरह सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। आई विल नॉट गो फीचर बाई फीचर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। देखिए, इस मामले में दोनों ही टीवीज में ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीवीज में 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, ऑप्टिकल पोर्ट, ईयरफोन पोर्ट, लैंड पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 है। पर एक जगह तोशीबा की M650MP आगे निकल जाती है, उसमें आपको फार फील्ड माइक का सपोर्ट भी मिलेगा, जो मोटोरोला की एनविजन एक्स स्पेक्ट्रा में नहीं है। पर आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ फार फील्ड माइक्स। आई स्टिल लाइक यूजिंग माई गुड ओल्ड रिमोट, कॉल मी ओल्ड फैशन, बट मुझे वो अच्छा लगता है। पर अगर आपको अच्छा लगता है फार फील्ड माइक्स, तो शिबा M650MP इज द वे टू गो। अदरवाइज जस्ट लाइक मी, जस्ट गो विद स्टैंडर्ड रिमोट। ऑडियो एंड साउंड की अगर हम बात कर ले, देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली एंड क्लियरली तोशीबा M650MP इज बेटर। वाई? नंबर वन, इसमें आपको दो स्पीकर सेटअप प्लस एक सब वूफर का सेटअप मिल रहा है, तो एक डेडिकेटेड सब वूफर है जो टीवी के पीछे है, और उससे साउंड फिडेलिटी ऑब्वियसली और अच्छी हो जाती है। इट इज अ फिजिकली आप बोल सकते हैं 2.0.1, आप बोल सकते हैं, आई वोंट एग्जैक्टली कॉल इट 2.1। तो एटमोस का सपोर्ट दोनों में है, DTS का सपोर्ट दोनों में है, पर इस मामले में ऑब्वियसली अगर आप तोशीबा ले रहे हैं, यू विल नॉट नीड अ साउंड बार इफ यू आर कीपिंग दिस टीवी इन द लिविंग रूम, या फिर आप बेडरूम में रख रहे हैं, तो एकदम भी नहीं जरूरत होगा आपको साउंड बार का, क्योंकि साउंड इज प्रीटी गुड। पर तो ये मोटरोला की जो टीवी है एनविजन एक्स स्पेक्ट्रा में, उसमें आपको एक साउंड बार लगाना होगा इफ यू वांट दैट इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो इस केस में ऑब्वियसली तोशीबा बाजी मार जाता है। लेट्स गो ओवर कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। यहां पे आप ध्यान से सुनेगा, बिकॉज ये मायने रखता है। अब देखिए, दोनों टीवीज में OS अलग है। मोटरोला एनविजन एक्स स्पेक्ट्रा गूगल टीवी OS के साथ आता है, तोशीबा विडा टीवी OS के साथ आता है। अब बहुत लोगों को विडा शायद अच्छा ना लगता हो, पर्सनली आप मुझे पूछेंगे, आई लाइक इट। वाई? वाई डू आई लाइक इट? ये भी आप पूछेगा, जवाब देता हूं आपको, आई लाइक इट बिकॉज इट्स रियली फास्ट। अगर मैं गूगल टीवी या एंड्रॉइड टीवी को बूट करूंगा ना, स्पेशली विद 2GB एंड 16GB, आपको करीबन 35 to 40 seconds मिनिमम लगेंगे जस्ट टू बूट द टीवी। वेरा टीवी OS 10 seconds या उसके नीचे बूट हो जाएगा। दूसरी चीज, नेविगेशन भी जब आप करते हैं ना, आई हैव नेवर क्लियर्ड एनी कैश ऑन माई वेरा टीवी OS। मेरे पास दो वेरा टीवी OS है अभी, हाइसेंस U7H, हाइसेंस की E7K Pro। दोनों ही टीवीज में मैंने कभी भी कैश को क्लियर नहीं किया है, पर इट स्टिल परफॉर्म्स इवन सो मेनी मंथ्स लेटर, जस्ट लाइक इट वॉज ऑन द फर्स्ट डे। पर आई कांट से द सेम अबाउट गूगल टीवी, क्योंकि अगर आप मैंने मेरी व्यू ग्लोलेट की रिव्यू नहीं देखी, वो आप देख सकते हैं, जिसमें गूगल टीवी है। टाइम आफ्टर टाइम आई हैव टू क्लियर द मेमोरी, यानी कैश मेरे को क्लियर करना पड़ता है, बिकॉज परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी स्लगिश हो जाती है, स्पेशली ऑन दोज टीवीज विच हैव 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज। आई लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, हर एक वीडियो में बोलता हूं, गूगल टीवी शुड स्टार्ट, टीवी मैन्युफैक्चरर्स इन फैक्ट शुड स्टार्ट गिविंग 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज ऑन टीवीज विच हैव गूगल टीवी OS। सैमसंग की टिजन, LG की वेब OS एंड विडा, ऑल ऑफ दीज आर लाइट टीवी OS। तो 1.5GB का रैम इज ऑल्सो फाइन ऑन ऑल ऑफ देम। यहाँ पे 1.5GB का रैम है, 4GB का स्टोरेज है। आप सोच रहे होंगे 4GB का स्टोरेज बहुत कम है, पर लेट मी टेल यू दैट यू विल नॉट नीड इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको विडा टीवी OS में उतने सारे एप्स मिलेंगे भी नहीं। हाँ, एक कमी है विडा टीवी OS में, वो है मीडिया प्लेयर्स। यू वोंट गेट मीडिया प्लेयर्स लाइक VLC या फिर MX प्लेयर, जो मेरे हिसाब से इज अ बिग मिस। पर इसके अलावा आपको सब मिल रहा है, नेटफ्लिक्स, प्राइम,
हॉटस्टार, जियो सिनेमा भी है, सोनी लाइव है, एप्पल टीवी है, तो ये सारे जो बेसिक ऐप्स हैं वो आपको मिलेंगे विरा टीवी ओएस में, बट यू विल नॉट गेट एंड्रॉयड गेम्स, यू विल नॉट गेट एनी गुड मीडिया प्लेयर्स लाइक वीएलसी या एमएक्स। वो मुझे एक्चुअली में मिसिंग लगती है अभी भी विरा टीवी ओएस में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स रियली फास्ट। आई वुडंट एग्जैक्टली से वन इज अ विनर इन दिस डिपार्टमेंट, ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आई स्टिल प्रेफर विडा ओवर गूगल, बट दैट इज सब्जेक्टिव। पर यस, आई वुड हैव वॉन्टेड देम टू एटलीस्ट गिव 8GB इंटरनल स्टोरेज, जो यहाँ पे एक बड़ा मिस है इन अ टीवी विच इज एट दैट कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में हम लास्ट में ही बात करेंगे। सो इस मामले में मोटरोला एनविजन एक्सपेक्ट्रा इज स्टिल कंपेरेटिवली बेटर, आई वुड से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डिस्प्ले एंड पिक्चर। दोनों ही टीवीज में आपको डायरेक्ट लिट बैक लाइटिंग तो मिल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली मिनी एलईडी इज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्ट लिट ओनली। द ओनली डिफरेंस इज कि नंबर ऑफ जो एलईडी बल्ब्स हैं वो ज्यादा होते हैं, टेक्निकली दे आर डायरेक्ट लिट बैक लाइट्स ओनली। तो दोनों ही में वीए पैनल्स है, क्यूलेट पैनल्स है, क्योंकि क्वांटम डॉट लेयर भी आता है। आपको एनविजन एक्सपेक्ट्रा में 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तोशिबा क्लेम करती है कि वो 600 निट्स की ब्राइटनेस दे रही है, बट सस्टेन ब्राइटनेस उतना है नहीं, 500 निट्स के नीचे सस्टेन ब्राइटनेस। Contrast ratio, at the time of making this video, I still don't know Envision X Spectra ki contrast ratio, but since this is a VA panel, the nature of VA panels is good contrast ratios. So technically, you can expect 5000:1 or 6000:1 ka contrast ratio. Because they are mini LEDs with full array local dimming, I expect ki Envision X Spectra ki contrast ratio 5000:1 se upar hi hogi. रिफ्रेश रेट अगर हम देखें तो दोनों ही टीवीज में आपको 4K 60Hz तो मिलता है, पर आपको तोशिबा M650MP में एक और 1080p 120Hz वाला रिफ्रेश रेट भी मिलता है। तो दिस इज एडवांटेजियस अगर आप गेमिंग करते हैं, क्योंकि गेमिंग में ये VRR को भी सपोर्ट करता है, जो आपको Envision X Spectra में नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल रहा है, उसमें आपको MEMC मिल रहा है, पर VRR नहीं मिल रहा है। तो दैट इज अ मिस मेरे हिसाब से, स्पेशली अगर आप पीसी गेमिंग करते हैं, तोशिबा इज कंपैरेटिवली गोना बी बेटर ऑफ। डॉल्बी विजन का सपोर्ट दोनों में है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट दोनों में, HLG का सपोर्ट दोनों ही में है। आप अगर डेडिकेटेड गेम मोड्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक्चुअली में डेडिकेटेड गेम मोड एक मिलता है, मोटा मोटी आप बोल सकते हैं तोशिबा 650MP में, पर इट्स नॉट गोना बी एज गुड एज द गेम पैनल विच comes in E7K Pro या Hisense की U7K, so वो आपको दिमाग में रखना है, it's not a game panel like that. Yes, game mode आपको दोनों ही में मिलता है, in fact यहाँ पे भी मैं game mode डाल रहा हूँ, ये थोड़ा सा mistake हो गया था, let me just update that. Alright, apart from that, full array local dimming आपको दोनों ही TVs में मिलेगा। यहाँ पे dimming zones की अगर हम बात कर लें, in the 55 inch आपको 160 dimming zones मिलते हैं, आपको 50 इंच में 140 मिलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन Envision X Spectra, तो 20 आप बोल सकते हैं कम हो जाते हैं। M650MP में आपको 120 लोकल डिमिंग जोन्स मिलते हैं, एटलीस्ट यही उनका दावा है, एंड आई थिंक यू नो दे डू प्रोवाइड 120 लोकल डिमिंग जोन्स। तो दोनों ही टीवीज में आपको डिमिंग जोन्स भी मिल रहे हैं। नाउ लेट्स कंपेयर द प्राइसिंग एंड फाइनली गिव यू माई कंक्लूजन। अब देखिए, Envision X Spectra की एक एडवांटेज है कि इसमें एक और साइज अवेलेबल है, विच इज 50 इंच। अगर आपको 50 इंच चाहिए, साइज का कंस्ट्रेंट है, लाइक कैबिनेट है आपका या टीवी को आप टेबल पे रख रहे हैं, देन 50 इंच इज वेरी गुड, एंड Envision X Spectra इज द ओनली वे टू गो, क्योंकि M650MP में 50 इंच है भी नहीं। अगर हम 55 इंच की बात कर लें तो यहाँ पे प्राइसिंग में काफी अंतर है। थोड़े दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, जब तोशिबा की M650MP में एक कूपन डिस्काउंट मिल रहा था, जहां पे आपको 8000 रुपए का कूपन डिस्काउंट मिल रहा था, यानी 50999 से 8000 रुपए उड़ जाते। तो उस प्राइस पॉइंट पे, विच इज 43,000, तोशिबा M650MP वुड हैव मेड अ लॉट मोर, यू कुड से अ बेटर चॉइस, आप बोल सकते हैं। व्हाई? नंबर वन, इसमें आपको गेमिंग के फीचर्स बेटर मिलते हैं, 1080p 120Hz का सपोर्ट है। नंबर टू, इसमें आपको साउंड बेटर मिलता है, एंड नंबर थ्री, आई थिंक इवन द बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली इज बेटर ऑफ तोशिबा। तो दीज आर रीजंस व्हाई आई वुड हैव रेकमेंडेड इट इफ द प्राइस वुड हैव बीन 43,000 विद दैट कूपन डिस्काउंट, बट अभी वो कूपन डिस्काउंट हट गया है, सिनेरियो चेंज है। तो अब अगर मैं 55 इंच की तुलना करूंगा इन दो टीवीज के बीच में, आई वुड ऑब्वियसली गो अलॉन्ग विद द Envision X Spectra। व्हाई? बिकॉज नंबर वन, इसमें ज्यादा डिमिंग जोन है। नंबर टू, ब्राइटनेस भी इसकी अच्छी है, इनफैक्ट इसकी डोल्बी विजन और HDR परफॉर्मेंस शुड बी कंपैरेटिवली बेटर, बिकॉज सम यूनिट्स ऑफ तोशिबा M650MP
Some users have complained about the Dolby Vision performance to be very dark या dim. देखिए Vida TVOS में एक fault भी है. मैंने E7K Pro वाली जो video थी ना उसमें इसके बारे में actually मैं बहुत detail में cover किया है, तो इस video में मैं बोलूँगा नहीं. But the solution to that is आप backlight को change कीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा. पर the thing is कि straight out of the box ये एक fault है in Vida TVOS. Hopefully वो update के द्वारा ये correct कर दे. तो this can get corrected by an update. But the current state of it is that the Envision X Spectra might just give you better HDR performance here. Not just because of more dimming zones, but also because of the fact कि इसमें कोई bug work नहीं है, जैसे Toshiba के M650MP में. Specially, आपको ये भी consider करना है कि Toshiba के M650MP is actually manufactured by Dixon. It's not manufactured by Hisense. तो maybe in some units there is a fault. मैंने इसकी example भी दी हुई है. मेरी E7K Pro की Dolby Vision performance वाली video देखिएगा, HDR performance वाली video. उसमें मैंने इस विषय पे बड़े लंबे तरीके से बात किया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है, दिखाया है आपको कैसा है और क्या सोल्यूशन है वो भी. तो इट कैन बी फिक्स, ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं हो सकता है. बट हाँ, अगर आप पैसे दे रहे हैं, स्पेशली 51,000 अगर आप दे रहे हैं, व्हाई विल यू टेक अ टीवी व्हिच हैज बग्स, राइट? सो इन दिस केस द क्लियर विनर इन 55 इंच इज द Envision X Spectra, नो डाउट अबाउट इट. आपको यहाँ पे करीबन 8,000 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है. उसमें आप एक सैमसंग की साउंड बार भी ले सकते हैं, कोई भी दूसरा साउंड बार भी ले सकते हैं, तो आप साउंड को इम्प्रूव कर सकते हैं. 65 इंच की अगर हम बात कर लें तो पासा थोड़ा पलट गया है, बिकॉज Toshiba M650MP में आपको अभी भी कूपन डिस्काउंट मिल रहा है. आई थिंक 4,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट है ऑन Amazon, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई डबल चेक, आई शो यू दैट एज वेल. यहाँ पे अगर आप 65 इंच देख लें तो 5,000 रुपीज का आपका डिफरेंस है यहाँ पे. तो दिस इज वाई ये कूपन डिस्काउंट को लेकर के प्राइस है 59,990. So at this price, the 65 inch actually makes more sense over the Envision X Spectra because of all the reasons that I've told for the 55 inch also. Number one, sound is better. Number two, आप अगर देखेंगे gaming features are comparatively better. But अगर इन दो TVs में अगर मुझे चुनना पड़ा in the 55 inch, the clear choice will be Envision X Spectra. It is a more price to value ratio वाली TV. 65 inch अगर आप देखने जाएंगे with this discount now, Envision X Spectra से ज्यादा प्राइस टू वैल्यू ऑफर करता है Toshiba की M650MP. इसमें सिर्फ वो HDR परफॉर्मेंस का एक इशू है जो होपफुली अपडेट्स के द्वारा एक्चुअली में फिक्स हो सकता है. टुडेज विनर इन 55 इंच Envision X Spectra, इन 65 इंच स्टिल Toshiba M650MP अकॉर्डिंग टू मी. वर्दी अल्टरनेटिव्स हर एक वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूं. देखिए मिनी LEDs की हम बात अगर कर रहे हैं तो Hisense की U7K अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट price to value ratio mini LED TV that you can buy today. Yes, in the market there are many other mini LED TVs. TCL ki C755 hai, C835 hai, aapka Samsung ka Neo QLEDs hai, aapka LG ki QNEDs hai. To bahut sare mini LEDs market mein available hai, but according to me the best price to value ratio that you are getting in a mini LED TV is the Hisense U7K. You cannot go wrong with this TV. And that's why it is a worthy alternative. अगर आपको mini LED ही चाहिए, हाँ, अगर आपको mini LED नहीं चाहिए, you just want a good TV, especially अगर आप gaming को भी consider करते हैं, अगर दिमाग में रखते हैं, then the E7K Pro is the best TV, even over the Toshiba M650MP, I would say, because इसकी HDR performance is comparatively better than the M650MP, despite of the fact कि इसमें fault नहीं है, उसमें fault है, but still E7K Pro's HDR performance is comparatively better. And that's why it makes the list. It is also cheaper because it's 42,999. और अगर आप gaming करते हैं, तो between E7K Pro and Motorola की Envision X Spectra, I will choose the E7K Pro any day because इसमें 4K 120Hz का refresh rate आपको आता है. पर आज की अगर मैं इस comparison की winner बोलूं, 55 inch go with the Motorola, 65 inch go with the Toshiba from the price to value ratio. आपको क्या लगता है, क्या मैं सही हूँ गलत हूँ? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. मेरी हमेशा कोशिश रहती है हर एक वीडियो की तरह जाने के पहले, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. ये मेरी विनती है आप लोगों से. यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है, स्पेशली वेन यू शेयर दिस वीडियो एज वेल. तो आप अपने दोस्त यार परिवार वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा, स्पेशली अगर आप के जो मित्र हैं या परिवार वाले उनको एक टीवी लेना है, दिस वीडियो विल हेल्प देम आउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूंगा आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. लास्टली आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. इन टीवीज की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अलॉन्ग विद सम ऑफ द टीवीज दैट आई रेकमेंड.
अगर आप उन टीवीज के लिंक को क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे, मुझे अमेजोन की एक अफिलियट कमीशन मिलेगी। मैं ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, मुझे मेरी कोई ब्रांड अफिलियेशन है नहीं। नो मैटर विच ब्रांड यू बाय, मोटरोला हो, तोशीबा हो, हाइसेंस हो, व्यू, एलजी, सोनी, सैमसंग, कोई भी, आई विल गेट एन अमेजोन की अफिलियट कमीशन। आप उस वे में भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स वॉट कीप्स माई चैनल गोइंग एंड ग्रोइंग, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।